अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच आए हैं और पायलट साहब बता रहे जी -7 सेल्सियस है टेम्परेचर, वो तो मुझे उतरते साथ ही फील हो गया था। तो चलते हैं दोस्तों फिर मंजिल की तरफ। ये दोस्तों काबुल, दोस्तों बाहर आ गए हम लोग, ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टर्मिनल है। चलें दोस्तों फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। दोस्तों जो मेरी वीडियो स्पेशली आज का जो व्लॉग है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं। मैं आज मुकम्मल प्रोसीजर बताऊँगा आपको। दोस्तों सबसे पहले जब आपने एयरपोर्ट पहुंचना है अपने लगेज के साथ पासपोर्ट और टिकट आप अपने हाथ में लें। डिपार्चर लाउंज में पहुंचते ही आपने जो ट्रॉली वहाँ स्टैक होगी अपना लगेज रख के अपने आइडेंटिटी जो है यानी पासपोर्ट और आपका जो इटिनरी है टिकट उसको आपने फर्स्ट जो स्क्रीनिंग पॉइंट है चेक पॉइंट है जहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होगी तो वहाँ उनको चेक करवाना है और वो जो है उसके बाद जो है आप फिर सेकंड स्टेप पे मूव कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ, जैसा कि टिकट पे क्लियरली मेंशन होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 2 आवर्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए 3 आवर्स पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होता है। मकसद इसका यही होता है कि उस दौरान हम लोग जो स्क्रीनिंग है उस वहाँ बोर्डिंग पास चेक इन और बोर्डिंग पास जो है वो स्टेप्स को कम्प्लीट कर सकें। जी तो व्यूअर्स चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को जैसा कि LED इंस्टॉल्ड होती हैं उसके ऊपर अपना मुकर्रा एयरलाइन की जो आपकी फ़्लाइट नंबर है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि चेक इन कब स्टार्ट होनी है। चेक इन स्टार्ट होते ही दोस्तों आपने अपने लगेज टिकट और पासपोर्ट के साथ जो है वो अपनी जो मुकर्रर करदा एयरलाइन के काउंटर पे जाना है और वहाँ अपना जो लगेज है उनको हैंड ओवर करना है ताकि वह स्कैन करके जो है उसको बोर्डिंग कर सकें। और आपके टिकट और पासपोर्ट जब आप काउंटर पे जमा करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको साथ ही बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास दोस्तों उस पर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से गेट पे आपने जाना है, हमारी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी चेक इन टाइमिंग, फ़्लाइट नंबर, हर चीज़ के ऊपर मेंशन होता है दोस्तों। और इसके बाद पासपोर्ट और अपना टिकट प्लस आपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करके आपने तीसरे स्टेप की तरफ मूव करना है। तो चलें दोस्तों फिर आपको तीसरा स्टेप बताते हैं। जी तो व्यूअर्स तीसरे स्टेप में चूँकि हम इंटरनेशनली जो है बोर्ड से बाहर जा रहे हैं तो हम लोगों को इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है, वहाँ हमें अपना पासपोर्ट और जो है बोर्डिंग पास दिखाना होता है। और दोस्तों कुछ फॉर्मल जो है इंटरव्यू के बाद या फॉर्मल क्वेश्चनिंग के बाद इमिग्रेशन का जो नुमाइंदा है वो आपकी थंब एक्सप्रेशन या फिंगरप्रिंट्स लेके आपका बायोमेट्रिक्स करके प्लस जो है वो आपकी पिक्चर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर जो है स्टैम्प कर देते हैं प्लस आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है दोस्तों वो एग्ज़िट की स्टैम्प हो जाती है। जी तो व्यूअर्स थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद इमिग्रेशन से आप जब गुजरते हैं तो आपकी लास्ट स्क्रीनिंग होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, कंप्लीट डिटेल स्कैनर से गुजारा जाता है और उसके बाद दोस्तों हम जो है वो अपना बोर्डिंग पास की मदद से जो है अपने लास्ट जो आपका डिपार्चर का वेटिंग लाउंज है वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट हो गई है और अभी हम लोग चलते हैं प्लेन की तरफ तो दिखाते हैं आपको फर्दर एक्टिविटी। दोस्तों फ़्लाइट ऑलमोस्ट जो है वो टाइम पे है तो चलते हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है और जो है इस वक्त तकरीबन जो है वो 4:30 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम लोग बैठ गए अपनी सीट पे और अभी जो है जब कंप्लीट हो जाएंगे पैसेंजर्स बोर्डिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो है बाकी एक्टिविटी जो है वो फिर आपसे शेयर करेंगे। Thank you.
जी टू रिवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो एयरक्राफ्ट का क्र्यू है अमला, वो पैसेंजर्स को जो है सेफ्टी फीचर्स के और सेफ्टी जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, जैसा कि बेल्ट, हमने सेफ्टी बेल्ट को कैसे जो है वो बंद करना है, प्लस एयरक्राफ्ट में कितने इमरजेंसी गेट्स हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं दोस्तों, जब 1.5-2 साल पहले, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 15 से 16 साल मैंने अफ़गानिस्तान में टाइम गुजारा है, तो हम ये काम एयरलाइन, साफ़ी एयरलाइन और PIA एयरलाइन सबसे मैं ट्रैवल करता रहा हूँ। तो उस वक्त जो अफ़गान एयरलाइन थी उसमें जो स्टाफ था उसमें फीमेल और मेल दोनों स्टाफ थे, यानी स्टीवर्ड और एयर होस्टेस, लेकिन अब की बार जो है वो सिर्फ स्टीवर्ड मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं पैसेंजर खासे कम हैं, मेरी साथ वाली दोनों नशिस्तें जो हैं दोनों सीट्स खाली हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद टू काबुल जो है वो मैक्सिमम 45-50 मिनट्स का टोटल जो है वो फ़्लाइट है, और जो ही टेक ऑफ करती है फ़्लाइट फौरी ही जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं एयर स्टीवर्ड जो है वो रिफ़्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चलें दोस्तों इंजॉय करते हैं, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जी तो व्यूवर्स, मेरा कैमरा आपको अगर दिखा सके तो आप, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, और काबुल या अफ़ग़ानिस्तान की खूबसूरती जो है वो इन्हीं पहाड़ों से है, और स्पेशली विंटर में एक दीदनी और एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र होता है, जब हर तरफ जो है वो पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं दोस्तों। और आपको बताता चलूं कि मेरा ख़ासा एक्सपीरियंस रहा है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का भी, काबुल टू हेरात मैं जाता रहा हूं, तो तकरीबन सेम इसी तरह विंटर में जो है वो पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बर्फ़ से ढकी हुई है वादी काबुल की, और ख़ासा सर्द होने वाला है मौसम यहाँ भी काबुल में। पहले मैंने आपको दिखाया कि जो पहाड़ थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे मुकम्मल, और ये काबुल सिटी का फ़िज़ाई मंज़र आप देख सकते हैं, इधर भी खासी ज़्यादा सर्दी है और टेम्परेचर डेफिनेटली जो है वो माइनस में होगा। तो दोस्तों साथ ही आप देख सकते हैं सूरज ग़ुरूब होने का बहुत ही ख़ूबसूरत जो है मंज़र है, और आपने देखा कि पहाड़ों के दरमियान जो है वो काबुल सिटी आबाद है। जैसे जैसे जहाज़ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, शहर का मंज़र ख़ासा खूबसूरत होता जा रहा है। दोस्तों आज 15 जनवरी 2023 है, और
मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद दोबारा जो है वो काबिल वापस आ रहा हूँ। और दोस्तों ये अभी जो है एयरक्राफ्ट जो है वो टच करने लगा है काबुल को, काबुल एयरपोर्ट को। देखेंगे दोस्तों उस वक्त के काबुल में, 1.5 साल पहले के काबुल में और आज के काबुल में क्या फ़र्क आया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें दोस्तों देखते हैं, टेम्परेचर का भी अंदाज़ा करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमिग्रेशन से जो है वो एग्ज़िट की स्टैम्प करवा ली है अपने पासपोर्ट पे, और अभी जो है अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद जो है फाइनल जो स्कैनर्स हैं, सिक्योरिटी चेक है, उससे बाहर निकल के जो है पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है शाम का पार्किंग की तरफ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच आया था, तो मैंने कहा आपके साथ अपना खाना शेयर करूं। अभी ये जी काबुल स्पेशल काबुली पुलाव है, साथ सैलड है, तो एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटा पहले जैसे मैंने बताया था मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था। मैंने कहा आपको अपना जो है वो रूम विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों ये चूँकि टेम्परेचर -7 था, तो मैं आते साथ ही डबल ब्लैंकेट लेके बैठ गया था। और माशाल्लाह अगर आप देखें टेम्परेचर का, तो एक ये लगा हुआ है हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद एक ये है दोस्तों, दूसरा दोस्तों ये है, ये फ्रिज है हमारा, ये हमारा लगेज है, अभी कल इंशाल्लाह आज तो थके हुए कल सेट करेंगे, ये हमारा LEDs, माइक्रोवेव, कैटल्स वगैरह हैं। और दोस्तों सबसे मज़े का जो है वो ये है बुखारी जिसे कहते हैं, और सर्द इलाकों में जो है वो यूज़ की जाती है, इसका जो एग्जास्ट का सिस्टम है इस तरह होता है दोस्तों। तो ये इसकी लकड़ी है, इसको मुकामी ज़बान में बलूत बोलते हैं। ये देखें दोस्तों ये इसके अंदर आग जल रही है, अभी खासी तेज़ है, बंद करते हैं इसको। ये वॉशरूम जी, और इस तरफ जो है वो शावर का सिस्टम है, और ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों माशाल्लाह। तो दोस्तों ये स्पेशल जो है वो स्लीपर्स हैं कारपेट के लिए भी, और जो है जहाँ माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ के लिए। तो मेरे अपने स्लीपर थे लेकिन उन्होंने कहा जी सर्दी है तो आप ये पहने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीलॉग है, आज की जो मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।